तो आज के आप अपनी क्लास में पिवट टेबल इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सौभिक जी तो नहीं, विजित जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग का परमिशन देता हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो जैसे कि हमारी इस क्लास में दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। पिवट टेबल क्या होता है इसके बारे में चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था कि पिवट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। और पिवट यूज करने से पहले आप एक बार डेटा को समझ लें, हेडिंग ब्लैंक होनी चाहिए और डेटा अगर ब्लैंक है रो तो पूरी की पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लें। ये आप काम करें जरूर जब आप पिवट टेबल शुरू करें। उसके बाद हम आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको बनाना क्या है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। एक नई शीट पे आपकी पिवट टेबल बनेगी। हालांकि शीट चेंज किया जा सकता है लेकिन वो आगे हम बात करेंगे। फिलहाल हम एक नई शीट पे पिवट टेबल बना रखे हैं। अब मुझे जो डेटा चाहिए इसमें से डेटा चाहिए कि सबसे पहला डेटा चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी चाहिए तो हम प्रोडक्ट वाले फील्ड को खा के ड्रॉप कर देंगे रो सेक्शन में ताकि वो रो वाइज डेटा आ जाए। अगर आप कॉलम में ड्रॉप कर देंगे तो कॉलम वाइज आएगा जो कि सही नहीं होगा, इसलिए रो में रखें। उसके बाद अपनी जो क्वांटिटी है जिसका टोटल निकालना है वो हमेशा वैल्यू वाले फील्ड में आता है और हमारे जो फील्ड है इस फील्ड में सम नंबर्स हैं इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ सम आ गया। अदरवाइज यहाँ आप अपने हिसाब से वैल्यू फील्ड सेटिंग में सम काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ले सकते हैं। उसके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आगे की चीज उसको जानते हैं कि इसमें इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें और चीज़ें कैसे करें। तो ये जो रिपोर्ट तैयार होकर आया है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रो लेवल है बट यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सम ऑफ क्वांटिटी के जगह पे आप जो मर्जी से मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी वो आप लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग जो नॉर्मल है वो भी कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिजाइन में जाएँ और यहाँ पे अपने हिसाब से प्री डिफाइंड फॉर्मेट चूज करें क्योंकि ये पिवट का पार्ट हो जाता है। जब पिवट अपग्रेड होता है, पिवट फ्रेश होता है तो ये अपने आप को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेता है। अब इसमें बात आती है कि अगर आपको विजुलाइजेशन चाहिए तो आप यहाँ पिवट टेबल एनालिसिस में पिवट चार्ट भी लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छा विजुलाइजेशन मिले। अभी जो है हमारा डेटा से लिंक है, अगर डेटा में किसी तरह का चेंज होता है जैसे 610 हम इसको कर देते हैं। अब यहाँ हमारे रिपोर्ट में अब देखिए 9190114 है। अब जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा चेंज हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी वैल्यू डेटा चेंज होती है अपडेट होती है तो आपका पिवट तभी अपडेट होगा जब आप रिफ्रेश करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, आपको खुद ब खुद करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं इसमें। मेरे मुझे जो चाहिए वो चाहिए कि किस पर्सन ने किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में बेचा है, मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे पिवट लगाएंगे और हमारा मेन जो है पर्सन है तो पर्सन हमारी पहली प्रायोरिटी होगी और प्रोडक्ट को उठा के मैं कॉलम में रखूंगा और क्वांटिटी को उठा के मैं यहाँ रखूंगा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमारा रिपोर्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें उस कॉलम को इसमें रखें जिसमें आपके कम आइटम्स हो। अब मेरे पास सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा आइटम है, अगर मैं इसको रख दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होगा कि ये जो है वर्टिकली बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा क्योंकि हमें नेविगेट करते समय हमें टॉप टू बॉटम आना आसान होता है बट आपको लेफ्ट टू राइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए उस केसेस में आप जो है उस फील्ड को सब हेडिंग बनाए, मतलब कि नेम के नीचे रख दें कुछ इस तरह से। अब इसमें देखिए प्लस माइनस का सिंबल ऑटोमेटिक बन के आया, उसको बोलते हैं कोलैप्स एंड एक्सपैंड, ग्रुप बन गया।
जब आप पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे तो यहीं पे आपको दिखेगा प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल। माइनस का सिंबल क्लिक करेंगे तो क्लैप्स हो जाएगा और प्लस करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह से। तो ये समरी अब समरी हो गया कि मुझे अगर चाहिए T2 को देखना है तो T2 के इस प्लस सिंबल के आगे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे T2 की पूरी सिटी वाइज डेटा दिख जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से अच्छे हिसाब से कर सकते। अब जरूरी नहीं है कि बड़े डेटा पे, आप छोटे डेटा को भी रख सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को भी रख दिया तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमारा दिखेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये चीज़ें तभी कर सकते हैं जब आपको रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल भेजना हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम वहाँ से डेटा को उठाते हैं, नई सीट पे पेश करते हैं और उसके ऊपर अपने हिसाब की बहुत सारे कैलकुलेशन और बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि जैसे हम इस फील्ड को कॉपी करेंगे और किसी भी फील्ड के ऊपर यहाँ पे वैल्यू पेश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि आप यहाँ पे ढूंढना मुश्किल होगा कि रो कौन सा है एंड कॉलम कौन सा है, सॉरी प्रोडक्ट कौन सा है और आपका नेम कौन सा है। तो उस केसेस में हम ये चाहते हैं कि पहले कॉलम में हमारा नेम हो, दूसरे कॉलम में हमारे पास प्रोडक्ट हो और तीसरे कॉलम में हमारा क्वांटिटी हो। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ पे डिस्प्ले और नहीं डिस्प्ले और यहाँ क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, या फिर आप जाइए डिजाइन के अंदर और यहाँ रिपोर्ट लेआउट और टेबलर फॉर्म पे क्लिक कीजिए, अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया आप देखें तीन कॉलम में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हर का सब टोटल दिख रहा है, एवरी नेम का सब टोटल। अब ये आपके लिए क्या बोलते हैं उसको हेल्पफुल है तो रखिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे, जस्ट कर्सर रखिए, राइट क्लिक और सब टोटल पे क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। तो वापस सब टोटल पे करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब सब टोटल से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए कि हमने इस डेटा को कॉपी करके डिफरेंट लोकेशन पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, गलती से पेस्ट एज ए वैल्यू नहीं हुआ था। हाँ, अब प्रॉब्लम है कि मुझे पूजा, मान लीजिए कि मुझे इंद्र का टोटल देखना है तो जनरली लोग फिल्टर लगाते हैं और आप यहाँ जैसे ही उदय या कोई और का टोटल, जैसे नीरज का ही देखना है तो देख लिया, तो देखिए नीरज सिर्फ एक आ रहा है। अब एक क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि नीरज इसी के सामने नीरज है, बाकी ब्लैंक है। तो पिवट पे फिल्टर लगाते हैं तो पिवट तो समझ जाता है, जैसे पूजा का फिल्टर लगाना है तो हम पूजा पे लगाएंगे तो ये तो समझ जाता है पिवट। बट आपका नॉर्मल फिल्टर नहीं समझता है। तो कब समझेगा, जब हर ब्लैंक के आगे आप रखेंगे, जैसे मैं इस तरह से पूजा नीरज कुछ इस तरह से, कैसे करें इसमें, तो हम जाएंगे डिजाइन में, ए पे आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल, इस रिपीट ऑल आइटम लेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रिपीट हो गया, इसका यूज कर सकते हैं। अब तो कभी कभी एक और चीज लोग करते हैं कि हर एक के बाद ब्लैंक रो इंसर्ट करते हैं, तो ब्लैंक रो में इंसर्ट ब्लैंक रो करेंगे तो आपके सामने हर एक नेम के बाद ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। आपको नहीं चाहिए रिमूव करना है तो यहीं से रिमूव कीजिए। अब आपको रिपीट नहीं करना है तो रिपीट पे जाके नॉट रिपीट पे क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस पे मर्ज करना चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दूँ। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं ईजिली, ऐसे हम पिवट पे मर्ज करना चाहते हैं, बट पिवट में आप डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते। ऐसे करें तो पिवट में मर्ज करने के लिए आपको पिवट टेबल ऑप्शंस, और सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल, इस पर क्लिक कीजिए एंड ओके, ये आपका मर्ज हो गया। क्लियर है सर? सौभिक जी या विजित जी, कोई डाउट इसमें? हाँ जी। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें जैसे कि डीवीडी है, सीडी है, सब चीजें। अब प्रॉब्लम आ गई कि मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि एमबी का जो 4080 आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, नई शीट में ये ऑटोमेटिकली खुल के आ जाए। तो नई शीट में इसका पूरा का पूरा डेटा आ जाए। ठीक है, समझे? तो इस तरह से डेटा भी आप यहाँ, आपने कॉलम तो समझा दिया, आपने रो समझा दिया, वैल्यू भी समझा दिया। अब मुझे इसमें मान लीजिए फिल्टर को समझना है। फिल्टर क्या है? फिल्टर मतलब पेज फिल्टर। अब मुझे पूरी रिपोर्ट जो है, मान लीजिए मेरे पास जो साइट है, साइट के अकॉर्डिंग देखना, तो यहाँ हमारे पास फिल्टर ऑप्शन होता है। मैंने आईपीटी इंडिया सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम जो डेटा मुझे दिख रहा है, डेटा पूरा का पूरा आईपीटी इंडिया का। तो फिल्टर में आप कई सारे फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए सर? तो इस तरह से हम अपना पिवट टेबल तैयार करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसके ऊपर अपने हिसाब से जो विजुलाइजेशन चाहिए उस तरह के विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं, उसमें जो छोटे मोटे चेंजिंग हैं वो करते हैं, और उसकी फॉर्मेट करते हैं, फिल्टर्स इंप्लीमेंट करते हैं, और फिल्टर्स पे भी मल्टीपल रो एंड कॉलम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने नेम और प्रोडक्ट लिया, तीसरा कमा लीजिए जिसमें आपको सिटी लेना है, यू कैन ऑल्सो एट द सिटी। तो ये आपका पूजा आ गया, ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, ये आपकी सिटी आ गई। अब यहाँ पे टोटल सब टोटल है, तो सम केसेस में सब टोटल नहीं चाहिए होता है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, सब टोटल आ गया। ऐसे मल्टीपल फील्ड से मुझे एमआरपी रखनी है, एमआरपी की एवरेज चाहिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे एमआरपी में एवरेज यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ हमारा एवरेज आ जाता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हम क्रिएट करते हैं। समझे सर?
लेकिन पिवट टेबल जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज़ है सर,